चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। अंतस की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त चेतनाएं अंतर की ओर मुड़ने के लिए तैयारी कर ले। बाहर में बिखरे हुए चित्त को एकत्रित कर अपनी चेतना, अपने मन, अपनी जागृति वे अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रस्थान करे अपने ही मध्य हृदय के भीतर, जहां से इस ध्यान यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। यात्रा से पूर्व श्री मां का आशीर्वाद व प्रेम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना यह यात्रा संभव ही नहीं है। तो चलते हैं अपने हृदय के विराट प्रांगण में। असंख्य जागृत चेतनाएं निरंतर ध्यानस्थ हो मां के प्रेम का आनंद उठा रही है। साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री मां को। और आशीष के रूप में अपने सहस्त्रार, अपने मध्य हृदय, अपने संपूर्ण अस्तित्व में मां की बहती शक्ति को महसूस करते हैं। और अब बैठ जाते हैं ध्यानस्थ अवस्था में।
महसूस करेंगे, उमड़ती घुमड़ती ऊर्जा को महसूस हो रही है, यह खिंचाव श्री मां की कॉल है, आशीर्वाद है। इस यात्रा का शुभारंभ का एक लक्षण है, इस यात्रा में श्री मां की शक्तियों के साथ होने का एक संकेत है। जब भी हृदय में इस प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होने लगे, तभी हमें भीतर में चिंतन या विश्लेषण की ओर अग्रसर होना चाहिए। बिना मध्य हृदय के संकेतों के किया गया विश्लेषण मानसिक स्तर का ही रह जाता है या आत्मनिरीक्षण मां की शक्ति के बिना गहरे अवसाद में धकेल देता है, क्योंकि हम उनकी शक्ति के ही केवल विचार करने वाला यंत्र बनकर ही रह जाते हैं। जिन विचारों के माध्यम से तर्क वितर्क प्रतिक्रियाएं प्रकट होती हैं और हम इस संघर्ष में उलझ कर रह जाते हैं और हताशा के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब मध्य हृदय इस प्रकार के संकेत देने लगे और शस्त्रार से मध्यम ऊर्जा का अनुभव होता चले, ऐसी ही अवस्था में चिंतन व विश्लेषण या आत्मनिरीक्षण सार्थक होगा, क्योंकि अब मां हमको स्वतः प्रस्फुटित होने वाले हृदय से उठने वाले सत्य को जो विचार का रूप लेकर हमारी चेतना की सतह पर प्रकट होने लगता है, तभी जाकर हमारा चिंतन हमारा आत्मनिरीक्षण सफल होता है। और यह प्रक्रिया ही हमारी चेतना को विकसित करती है, हमारे आंतरिक ज्ञान में वृद्धि करती है और हम अपने प्रारब्ध से प्राप्त स्वभावों से ऊपर उठ पाते हैं।
जो स्वभाव हमारे पिछले जीवनों के कारण हमारे भीतर उत्पन्न हुए थे, अब वो स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं और परिवर्तित होते होते हमारे भीतर एक सुखद संतुलन को स्थापित करते चले जाते हैं और हमारा जीवन निखरने लगता है। हम स्वयं की आदतों के गुलाम नहीं रहते, हम सही मानों में स्वतंत्र होने लगते हैं, यानी स्वयं के भीतर से उठने वाले सत्य के अनुसार जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। पहले हमको प्रारब्ध संचालित करता था, अब हमारे अस्तित्व को सत्य के द्वारा संचालित किया जाता रहता है और हमारे भीतर एक आनंददायी परिवर्तन घटित होता चला जाता है। चेहरे पर शांति, हृदय में प्रेम, वाणी में विनम्रता, और भावों में कोमलता का उदय होता चला जाता है और धीरे धीरे हम श्री मां का एक अच्छा यंत्र बनने लगते हैं। यह हमारी उत्थान की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार पर टिका देंगे। शक्ति के श्री चरणों के स्पर्श का स्वाद उठाना प्रारंभ कर देते हैं। गौर करें, इस शस्त्रार पर अपने चित्त को रखकर हम महसूस करें किस किस प्रकार से शस्त्रार्थ पर ऊर्जा का आभास प्रकट हो रहा है। यह एहसास श्री मां आदि शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। संकेत के मुताबिक मां आदि शक्ति के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। श्री मां आदि शक्ति की शस्त्रार्थ पर चहल कदमी का और उनके सानिध्य का आनंद उठाते उठाते अब जरा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी मन स्थिति इस वक्त कैसी है और साथ ही अपने चित्त को मध्य हृदय पर भी
आपके श्री चरणों का स्पर्श उनके सानिध्य के एहसास के साथ मां जगदम्बा की अनुभूतियों को भी हम लगातार अनुभव करते चलेंगे और इन दोनों महानतम देवियों के या माओं की उपस्थिति में अपनी मन स्थिति का अवलोकन करते हैं। क्या हमारा मन इस वक्त व्यथित या विचलित है या शांत होता जा रहा है? हो सकता है ध्यान के प्रारंभ से पहले हमारे मन में अनेकानेक उलझने या परेशानी हो सकती है, पर इस क्षण महसूस करके देखेंगे तो हम सब पाएंगे कि हमारा मन पहले से ज्यादा स्थिर व शांत है। हमारा मन हमारे हृदय रूपी सागर की ऊपरी सतह है। कितने भी यदि तूफान आते हैं, यानी प्रारब्ध से उत्पन्न अनेकानेक तूफानों का असर केवल सतह पर ही होता है, यानी मन की सतह पर, यानी मन के विचलन पर। लेकिन भीतर में यदि हम अपनी चेतना को या चित्त को जाकर देखें तो हृदय रूपी सागर की गहराई में अथाह शांति होती है। यह हमारे नित्य जीवन में अक्सर चलता ही रहता है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के संचित प्रारब्ध हमारे इस जीवन में निरंतर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के रूप में प्रकट होते रहते हैं। वह घटनाएं सकारात्मक भी हो सकती है, वह घटनाएं वर्तमान के विपरीत भी हो सकती है, परंतु घटनाओं का होना कदापि रुकता नहीं है। जीवन पर्यंत यह घटनाएं घटती ही चली जाती हैं और एक मानव हर विपरीत घटना के साथ यही सोचने को मजबूर हो जाता है कि अब कैसे इस विपरीत घटना का सामना करें, क्या करें, ऐसा कैसे इन घटनाओं से बाहर निकले। तो यह चिंतन का विषय है और आप सब पाते होंगे कि घटनाएं एक सुनिश्चित काल के लिए आती है, सदा कायम नहीं रहती है। यह घटनाएं सागर की सतह पर उठने वाली छोटी या बड़ी लहरों के समान होती है।
और जब लहर उठती हुई आती है तो सागर की सतह पर यदि कोई नाव है या मोटर बोट है तो उसको भी प्रभावित करती है। तो कुशल नाविक अपनी मोटर बोट को इस तरीके से संचालित करते हैं कि मोटर बोट बिना उल्टे सागर की सतह पर निरंतर बनी रहती है। हां, वो काफी डोल सकती है लेकिन उसका संतुलन अक्सर बरकरार रहता है। तो यही व्यवस्था हम सबको करना चाहिए। जब भी मन के सतह पे प्रचंड परेशानियों, पीड़ाओं या उलझनों की लहरें दौड़े तो अपने चित्त के एक छोर को निरंतर मध्य हृदय से जोड़े रखें, जैसे कि एक मोटर बोट समंदर की तली तक लंगर डाल के रखती है। और ऊंची नीची होती लहरों पर डोलती तो है परंतु लहरों के साथ बहती नहीं है। यही स्थिति हमको अपनी चेतना की बनाए रखनी होती है। अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने चित्त को, चित्त के एक छोर को अपने अंतःकरण की तलहटी से निरंतर जोड़ के रखना है और दूसरा छोर सतह पर होने वाली गतिविधियों के साथ जोड़ के रखना है और हृदय से ऊर्जा ले लेकर उन सतह के घटनाक्रमों तक निरंतर पहुंचाते रहना है। जब प्रारब्ध से उत्पन्न हुआ तूफान शांत हो जाएगा कुछ ही देर में तो पुनः हमारे जीवन में एक आनंद बना रहेगा। यदि हम अपने चित्त के एक छोर को अपने हृदय से जोड़े नहीं रखेंगे तो बोट की भांति हमारा चित्त बिखर जाएगा और लहरें उठाकर न जाने कहां हमारे चित्त को, हमारे मन को पटक देंगी या चूर चूर कर देंगी। क्योंकि हम सागर में होते हुए लहरों के उठने को रोक नहीं सकते, उन पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते, वरन संतुलन बनाए रख सकते हैं। या प्रचंड लहरों में जैसे विंड सर्फिंग करते हैं और उन लहरों में संतुलन बनाकर रखते हैं, ऐसा ही संतुलन हमें कठिनतम और विपरीततम हालातों और परिस्थितियों में बनाकर रखना होगा। आम मानव के जीवन के अपेक्षा एक साधक के जीवन में प्रारब्ध की समस्त विपरीतताएं बहुत तेजी से और बहुत प्रचंड रूप में आती हैं, क्योंकि मां आदिशक्ति व मां जगदम्बा के आशीर्वाद से इसी जीवन काल में हम
हमारे समस्त प्रारब्ध का हिसाब बराबर होना है। यदि हम जागरूक हैं तो हमको इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रारब्ध के घटनाक्रम में या विपरीत स्थितियों में हमको जो भी मानव टकराएं या जो भी बुरे से बुरे अच्छे से अच्छे लोग मिले, उन सब के शस्त्रार में हृदय में हमें मां के प्रसाद को पहुंचाना है। अगर दूसरे रूप में देखें तो यह प्रपंच मां आदि शक्ति के द्वारा ही रचा गया है, जो अनेकानेक सकारात्मक संयोगों की जन्मदात्री है। मां आदि शक्ति केवल और केवल सकारात्मक संयोगों की जन्मदाता है, क्योंकि वह साधक को अपना यंत्र बनाकर प्रारब्ध के दुष्परिणामों के माध्यम से अनेकानेक मानवों को जागृत करने की हमारे माध्यम से व्यवस्था करती है। यदि हमारे पिछले जीवनों के प्रारब्ध नकारात्मक ना हो तो हमारा सहज का कार्य भला कैसे चल पाएगा? हम भला किसको आत्म साक्षात्कार देंगे? हमसे तो कोई मिलेगा ही नहीं। यानी कि एक सूक्ष्म बात इन नकारात्मक घटनाओं में छुपी है, वह यह है, नकारात्मक घटनाएं नकारात्मक किस्म के लोगों से हमें मिलवाती है। ऐसे लोग जिनकी चेतनाएं निकृष्ट अवस्था में है पर परमेश्वरी मां आदि शक्ति उन चेतनाओं का उद्धार हमारी जागृत चेतना के माध्यम से कराना चाहती है। हमारे चित्त के माध्यम से उनकी कुंडलनियों को उठवाना चाहती है। हमारे हृदय के प्रेम को, जो स्वयं मां के द्वारा प्रकट होता है, उनको उनके हृदय में उतारना चाहती है, ताकि उन मानवों को भी एक अवसर मिल जाए स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का एक मौका मिल जाए। कितनी सुंदर व्यवस्था परमेश्वरी करती है यदि समझे तो। जिन परिस्थितियों हालातों को हम हमेशा नकारात्मक मानते हैं, वह परिस्थितियां तो अत्यंत शुभ अवसर है उन मानवों के लिए जिनसे हमको किसी भी कारण से मिलवाया जा रहा है। चाहे वो इंसान अच्छे हो, चाहे वो बुराइयों से घिरे हो, लेकिन उनके भीतर है ना आत्मा, उन सब के भीतर कुंडली भी है ना, यही समझना है। और हमारी इंटरेक्शन, हमारा संपर्क तो सभी की कुंडली में आत्मा से ही होता है ना। तो बजाय बचने के, बजाय पीठ दिखाने के, बजाय झिझकने के, सहर्ष खुशी खुशी सामना करना है। सामना क्या करना है? श्री मां का यंत्र बनकर एक सुंदर कार्य करना है। आत्म जागरण का कार्य हमसे कराया जाएगा। कुंडली
सीमा हमसे डरा रही होती है। जैसे ही ये भाव आप सबके भीतर में स्थायी होने लगेंगे तो अब बचने की जगह सहर्ष जुड़ने का हृदय महसूस होने लगेगा, क्योंकि हम तो मात्र यंत्र हैं। जब शरणागत हो ही गए हैं सच्चे हृदय से, तो फिर स्वयं का क्या, स्वयं की कैसी हानि, स्वयं का कैसे लाभ। सारी लाभ हानि तो मां ही देखती है। तो इस सूक्ष्म सत्य को अपने अंतःकरण में उतार कर अपनी चेतना को व्यवस्थित कर अपने चित्त को शार्प कर लगा दे उन सभी मानवों के शस्त्राल हृदय में और चैनलाइज करना प्रारंभ कर दे मां का सच्चा प्रेम भीतर में स्थित सत्य उन सभी नकारात्मक मानवों के हृदय में। हमको यह नहीं देखना कि परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, बस हमें तो यह कार्य करना है। और यह सुंदर कार्य करते हुए अपने चित्त के एक छोर को मां चिदम्बा के साथ बनाए रखना है, दूसरे छोर को मां आदि शक्ति के साथ बनाए रखना है और प्रेम को उन सब के हृदयों में उतारते जाना है। हमको अपने नकारात्मक प्रारब्ध के परिणामों से टकराना नहीं है, उलझना नहीं है, वरन एक विंड सर्फर की तरह लहरों पर तिरते हुए मां का यंत्र बन एक सुंदर कार्य को अंजाम देना है। यदि बुराइयों से घिरे मानव हो ही ना इस जगत में, तो फिर भला आत्म साक्षात्कार के कार्य की आवश्यकता ही क्या है। आत्म साक्षात्कार का घटनाक्रम परम पिता परमेश्वर का उन सुप्त अवस्था के मानवों के लिए प्रेम पहुंचाने का एक जरिया है, और वह जरिया हम सब के माध्यमों से घटित होना है। बजाय दुखी होकर ये सोचने के श्री माता जी क्या जीवन के सारे कष्ट हमारे लिए ही बने हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए श्री माता जी हम धन्य हो गए, आपने हमें एक और कार्य के लिए चुना, आपने हमें एक और कार्य दे दिया, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक और अनुग्रह हमारे ऊपर कर दिया। इस मन अवस्था से बुरे घटनाक्रम से कोई पीड़ा नहीं महसूस होगी, बल्कि दूना उत्साह बना रहेगा यह सोचकर, यह अनुभव कर अरे हम तो मां के लिए कार्य पर जा रहे हैं, यह तो मां का दिया असाइनमेंट है, हम तो चैतन्य के वाहक हैं, हमारा कार्य परम चैतन्य को
दूसरा बहुत बड़ा एक लाभ होगा कि हम इस एहसास के साथ ही तुरंत साक्षी हो जाएंगे। साक्षी होते ही परमात्मा की समस्त ऊर्जाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जनरलाइज होना प्रारंभ हो जाएंगे या एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हम मात्र मां के प्रेम के एक वाहक हैं। यदि हम शरणागत नहीं हो पाते तो हम साधारण मानव बनकर संघर्षरत हो सकते हैं और आज की अवस्था में हम बाहर से संघर्षरत हो सकते हैं पर भीतर से शांत होते हैं, वाहक होते हैं और मां के मैसेंजर होते हैं और साधना आखिर किसको कहते हैं, साधना का मतलब क्या है। साधना शब्द से ही जाहिर है, साधना किसको साधना, स्वयं को साधना। जैसे कि हम घोड़े को लगाम के जरिए साधते हैं, ऐसे ही हम स्वयं के अस्तित्व को अपनी विकसित चेतना की लगाम के द्वारा साधते रहते हैं। यही तो साधना का मकसद है, यही तो साधना का मतलब है कि प्रारब्ध जीवन के नकारात्मक परिणामों के कारण उत्पन्न हुए तीव्र वेग में स्वयं के अस्तित्व को साधना। और यदि हमारे चित्त की एक पकड़ मां के साथ बनी रहेगी तो हम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को आराम से विपरीत हालातों में भी साध पाएंगे। यानी अपने मन को साधना कितना सुंदर है, ऐसा जीवन जो मां के श्री चरणों में व्यतीत होता रहता है। अक्सर साधकों के हृदय में दूर जाने की इच्छा प्रकट होने लगती है, इन विपरीत परिस्थितियों से पलायन कर दूर कहीं स्थित हो जाना, थोड़े समय के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए यह किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में हम सबको पलायन के लिए तैयार नहीं किया गया है, बल्कि हम सबको विपरीत स्थितियों से उत्पन्न हालातों और मानवों को ऊर्जावान करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए इस बात को समझना होगा, हम सभी लोग कमांडोज की तरह हैं, जिनको कठिनतम, विपरीततम और बुरे से बुरे हालातों के लिए तैयार किया जाता है। और कमांडोज की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक इसी प्रकार से हम सब की जिम्मेदारी हमारे श्री मां की है। और वो जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाएंगी यह हम लोग डिसाइड नहीं कर
परिस्थितियों से यदि हम जीतने की सोचते हैं तो भी व्यर्थ है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां जीतने या हारने के लिए नहीं आई है, वो तो मात्र हमारे हृदय से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को उन मानवों तक पहुंचाने के लिए आई है जो साधारण अवस्था में उन तक पहुंच नहीं सकता था। यही विपरीत स्थितियों के माध्यम से ही वो चेतनाएं हमारी चेतनाओं के संपर्क में आ सकती थी। जैसे कारण और परिणामों का सुंदर संयोजन मां आद शक्ति के माध्यम से ही संभव है। यही परमोटेशन कॉम्बिनेशन सिद्धांत की संचालिका है। कहां किससे किसको मिलवाना है, किस कारण से मिलवाना है, ये उन्हीं के हाथ में है, यह मनुष्य के हाथ में नहीं है, ना ही मनुष्य के हाथ में पलायन करना है या जीतना है, ना या हारना है। हम साधकों को तो पलायन जैसा शब्द शोभा ही नहीं देता। परिस्थिति का मतलब एक निमंत्रण, परिस्थिति हमारे सामने आने का मतलब एक कार्य करने का टारगेट, एक नया असाइनमेंट। तो स्वयं को हमें इसी भाव में विकसित करना है, बिना डरे, बिना घबराए, बिना पीड़ित हुए, बिना चिंतित हुए, बिना हानि लाभ की चिंता किए, बिना अपनी सुरक्षा का असुरक्षा का एहसास किए, बस केवल और केवल विपरीत परिस्थितियों या सुंदर परिस्थितियों के माध्यम से एक सुंदर सा कार्य संचालित करना है। इस दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। यह भाव हमको कदापि पीड़ा नहीं देगा। आखिर नकारात्मक हालातों में हमारी क्यों चिंता है? आखिर क्या हम खोने वाले हैं? अब तो हम कुछ खो ही नहीं सकते, जब श्री मां के श्री चरणों को पाया है। जो भी कुछ हमें मिला इन्हीं के प्रताप से मिला है, तो खोने का भय किस लिए? क्या चीज खो जाएगी जब हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा मां के श्री चरणों में स्थित है? हमारी जीवात्मा को शरीर मिला है कुछ काल के लिए, फिर बदल जाएगा परमेश्वरी की इच्छा से। हो सकता है परमेश्वरी के कार्य के लिए दूसरा शरीर रूपी आवरण प्राप्त हो जाए। तो जब इस शरीर से जुड़ा सारा का सारा संसार शरीर तक सीमित है, यानी कि जब यह आवरण ना होगा तो इससे जुड़ा संसार भी ना होगा। जब यह शरीर बदलना या नष्ट होना निश्चित है, तो यह संसार जो बाह्य रूप से दिखाई देता है यह भी बदल जाना सुनिश्चित है, तो फिर किस बात का खोना? यदि कामांडोज अपने रहने खाने पीने की चिंता करने लगे तो भला वो कामांडोज कैसे बने रह सकते हैं? यह चिंता तो सरकार की है ना। कहां वो खाना खाएंगे, कहां वो जाएंगे, क्या उनका मिशन होगा,
तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यह तो एक संस्था डिसाइड करती है। ठीक इसी प्रकार से हम सबको भी है निश्चिंत कर लेना है, स्वयं को शांत कर लेना है कि हम तो श्री मां के कमांडोज हैं। वो हमको किसी भी मिशन पे चाहे भेजे, हमसे कुछ भी कराए, हमें किसी से भी मुलाकात कराए, बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे, किसी से भी मिलवाए, बस हमें तो अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रेम का प्रसारण ही करना है, चाहे वाणी के माध्यम से, चाहे अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से, उन सब के हृदयों में मां का संदेशा प्रेषित करना है, उनके हृदय में मां का दिव्य ज्ञान प्रक्षेपित करना है। तो इस अवस्था में आप महसूस कर सकते हैं कि सभी प्रकार की नकारात्मक सोचें चले कहां चली गई है, समाप्त, क्योंकि हम तो मां के संदेश के मात्र वाहक हैं और वाहक तो अच्छे और बुरे हर प्रकार के मानवों तक संदेशा पहुंचाता है। तो हम संदेश वाहक हैं, बस यही हमारा इस संसार में परिचय है। और सुंदर साधकों के बीच में यह हमारी एक पहचान है और मां के श्री चरणों में एक छोटे से बालक के रूप में हमारा अस्तित्व है। इस सुंदर से तथ्य को अपने भीतर में अच्छे से समझ, शांत होकर कठिनतम विपरीततम पीड़ा से युक्त अनेकानेक परिस्थितियों में शांत होकर मां के इस प्रेम को संपन्न करते हैं। अब अपने चित्त को मध्य हृदय और शस्त्रार में स्थित रखेंगे और मां के दिव्य प्रेम को लगातार महसूस करते रहते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। श्री मां, आपने हमको अपने कार्य योग्य चुना, हम अनुग्रहित हैं। इसी के साथ समाप्त होता है यह ध्यान का और चिंतन का सेशन। जय शिवाता जी।